हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा सीटी सुपरविजन फंक्शन का पार्ट टू का वीडियो है फ्रेंड्स। इसका पार्ट वन का वीडियो में हम लोग सीटी सुपरविजन का पर्पस क्या है और इसको हम स्टैटिक रिलेस में कैसे इंप्लीमेंट किया था, एक VTX 11 या 31 रिले का ऑपरेशन के बारे में इन डिटेल इसका पार्ट वन का वीडियो में हमने समझाया था। इसका पार्ट टू का वीडियो में हम लोग इसमें सीटी सुपरविजन जो फंक्शन है जो न्यूमेरिकल रिलेस में कैसे यूज़ करते हैं और इसका जो सेटिंग कैसे यूज़ करना है और इसका सेटिंग कैसे रखना है और डिफरेंट डिफरेंट रिलेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से सीटी सुपरविजन फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसके बारे में हम ब्रॉडली इसका न्यूमेरिकल रिले में कैसे इसका फीचर को हम लोग यूज़ करना है इसके बारे में इन डिटेल इस वीडियो में समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज के हमारा वीडियो। जैसा पहले पार्ट वन का वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, सीटी सुपरविजन का जो पर्पज़ है, दो पर्पज़ है फ्रेंड्स। एक हमारा कभी भी कोई भी सीटी है अगर ओपन हो गया है, इसका टर्मिनल है, इसका सेकेंडरी सर्क्यूट में टर्मिनेशन लूज हो गया है, उसमें क्या हो सकते हैं, हमारा हाई वोल्टेज जनरेट होगा कभी भी सीटी का सेकेंडरी ओपन होने में। उसकी वजह से जो हाई वोल्टेज का वजह से सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट और जो मेन है इसका जो प्रोटेक्शन रिले है वो डैमेज हो सकते हैं, वो एक साइलेंट किलर बन सकते हैं। इसी की वजह से हमको सीटी सुपरविजन के थ्रू हम लोग इस रिले को हम लोग और इसका सेकेंडरी सर्क्यूट को प्रोटेक्ट कर देते हैं उसको सीटी को शॉर्ट करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा मेन पर्पज़ है सीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट और रिले को सेफ गार्ड करने के लिए, रिले सेफ गार्ड करने के लिए अगेनेस्ट जो ओवर वोल्टेज है वो हमारा ओपन सीटी ओपन सर्क्यूट की वजह से जो जनरेट हुआ उसके अगेनेस्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा पर्पज़ है फ्रेंड्स, कभी भी हमारा सीटी ओपन होने से हमारा माल ऑपरेट हो जाएगा, हमारा प्रोटेक्शन है एक्चुअली जो प्रोटेक्शन का जो मेन इंटेंशन है वो कभी भी फुलफिल नहीं होते हैं हमारा सीटी सुपरविजन का अगर ये सीटी ओपन सर्क्यूट होने से। तो इसीलिए ये दो पर्पज़ है हमारा प्रोटेक्शन को माल ऑपरेट करने के लिए जो होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए सीटी ओपन सर्क्यूट की वजह से, और दूसरा हमारा सीटी सेकेंडरी सर्क्यूट और रिले सर्क्यूट को ओवर वोल्टेज है जो सीटी सेकेंडरी ओपन होने की वजह से जो ओवर वोल्टेज जनरेट होते हैं उससे सेफ गार्ड करने के लिए हम लोग सीटी सुपरविजन फंक्शन को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, जैसे पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, सीटी सुपरविजन फंक्शन को हम लोग मोस्टली न्यूमेरिकल रिले में यूज़ है और न्यूमेरिकल रिले में भी वो भी हमारा बस डिफरेंशियल रिले में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये हमारा बस डिफरेंशियल रिले बाकी में इस फंक्शन को मोस्टली डिसेबल कर देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप जहाँ आपको न्यूमेरिकल रिले यूज़ करते हैं वहाँ चाहिए तो आप हर एक न्यूमेरिकल रिले में आप सीटी सुपरविजन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले हमारा जमाने में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा सीटी सुपरविजन रिले को अलग एक रिले लगाते हैं, जैसे यहाँ लगाया था वो क्या होता है फ्रेंड्स, बस डिफरेंशियल रिले में जैसे मोर देन 50 या 40 फीडर्स हो सकते हैं, उसमें आपको नंबर ऑफ सीटीज ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीटी कनेक्शंस ज़्यादा है और इसका जो कॉमन पॉइंट्स है इसका जो सेकेंडरी लूपिंग ज़्यादा है, इन लूपिंग लूप आउट इसकी वजह से आपको सीटी ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है। उसकी वजह से हमको सीटी सुपरविजन जैसे पहले ज़माने में जहाँ हम लोग स्टैटिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज़ करते हैं उस टाइम पे हम लोग सिर्फ बस डिफरेंशियल रिले में, क्योंकि हमारा बहुत ही कॉस्टली प्रोटेक्शन स्कीम है और इसमें बहुत ज़्यादा सीटी कनेक्शंस और लूप इन लूप आउट कनेक्शंस हैं, सीटीज ज़्यादा है, उसकी वजह से सिर्फ बस डिफरेंशियल रिले में पहले में यूज़ करते हैं। लेकिन अभी तो न्यूमेरिकल रिले में हर एक न्यूमेरिकल रिले में सीटी सुपरविजन का फंक्शन का फीचर रहते हैं, उसको आप डिफॉल्ट उसको आप चाहिए तो बहुत अच्छे से यूज़ करके आपका प्रोटेक्शन का माल ऑपरेशन को सीटी ओपन की वजह से आप अवॉइड करा सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सीटी सुपरविजन रिले है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया था जो हमारा न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या स्टैटिक रिले रहते हैं वो वोल्टेज बेस्ड ऑपरेशन रिले रहते हैं और वो हमारा सीटी का जो कॉमन पॉइंट जहाँ रहते हैं RYB न्यूट्रल का वहीं पर ही सीटी सुपरविजन रिले लगते हैं। लेकिन जो हमारा न्यूमेरिकल रिले लगते हैं फ्रेंड्स हमेशा हमारा स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का बाद लगते हैं। सो हमारा न्यूमेरिकल रिले स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का बाद रहते हैं, इसीलिए हम लोग वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन दे नहीं सकते अकेला, क्योंकि नॉर्मल फॉल्ट कंडीशन में भी हमारा इसका वोल्टेज ज़्यादा हो सकते हैं, नॉर्मल फॉल्ट कंडीशन में भी उसमें आपको रिले को मतलब वोल्टेज बेस्ड ऑपरेशन में तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं लगा सकते। और दूसरा आपको जो रिले में आपको सीटी इनपुट जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आप करंट मेजर कर सकते हैं उसको वोल्टेज नहीं मेजर कर सकते हैं।
तो वो भी फीचर की वजह से हम लोगों को जनरली वोल्टेज बेस्ड प्रोटेक्शन हमारा सीटी सुपरविजन में यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो सीटी सुपरविजन फंक्शन हम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल रिलेस में अलग अलग प्रकार का होता है फ्रेंड्स, बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट के बेसिस में, जैसे मैं आपको वीटी सुपरविजन में बताया फ्रेंड्स, ऐसे ही सिमिलर है सीटी सुपरविजन का फंक्शन भी। सीटी सुपरविजन जो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन पे हमारा सर्क्यूट पे, कोई भी सर्क्यूट पे अगर नॉर्मल कंडीशन पे इसका करंट रेंज क्या है अगर आपको पता है, तो इसका जो रेंज का बाहर है मतलब वो आपको सीटी अनहेल्दी है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जो ये हमारा सबसे पहले पे सीटी सुपरविजन का मतलब जो हमारा न्यूमेरिकल रिलेस में रहते हैं फंक्शन, ये सिंपल आपका करंट मॉनिटर करते हैं। अगर करंट एबनॉर्मल वैल्यू है मतलब बहुत मिनिमम या बहुत मैक्सिमम से चला रहे हैं, तो इसको आप सीटी सुपरविजन जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं, मतलब इसमें सीटी फेल्यूर जैसा इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा फीचर है, कभी भी आपको सीटी अगर फेल हुआ है तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अनबैलेंस करंट क्रिएट होगा, क्योंकि IR प्लस IB प्लस IB इक्वल टू 0 नहीं होते हैं, क्योंकि एक सीटी फेल हो गया एक सीटी ओपन हो गया है, उसकी वजह से आपको अनबैलेंस करंट या अनबैलेंस करंट जनरेट हो जाते हैं। और रेसिड्यूअल करंट, अगर आप रेसिड्यूअल करंट मॉनिटर कर रहे हैं तो रेसिड्यूअल फॉल्ट करंट वो भी आपको जनरेट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये दोनों का बेसिस में अगर इसकी रेस्पेक्टिव वोल्टेज प्रोफाइल को आप मैच करा के, जैसे मैंने VT सुपरविजन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अनबैलेंस वोल्टेज या नेगेटिव से जो हमारा जीरो सीक्वेंस वोल्टेज को करंट का साथ मैच करके एक्चुअली वोल्टेज हेल्दी है नहीं है देख रहे हैं, यहाँ भी आपको जस्ट ऑपोजिट है, करंट को देखकर आपको वोल्टेज से साथ कंपेयर करके हम लोग सीटी सर्क्यूट हेल्दी है नहीं है उसको हम कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स, ये हमारा स्नाइडर का P3U रिले है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, हमारा जैसे सीटी के तीनों फेज का इनपुट दिया था, ये आपको अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, जहां आपको ओनली करंट इनपुट रिले है, इसमें आपको वोल्टेज का इनपुट ही नहीं है जिस रिले में, उस रिलेस में आपको इस फीचर करंट सुपरविजन है जो सीटी सुपरविजन फीचर है ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, सीटी सुपरविजन का जो सेटिंग पैरामीटर्स में आपको मैक्सिमम करंट रहते हैं, जो मिनिमम करंट रहते हैं, और इसका जो टाइम डिले रहते हैं, और इसका जो सीटी सुपरविजन ऑन में इसका वैल्यू क्या होना चाहिए और ऑफ में क्या वैल्यू होना चाहिए, ऑन ऑफ इसको ऑन करने है नहीं करने है उसका फीचर इवेंट लॉगिंग के लिए देते हैं। तो जो मेन हमारा सेटिंग्स से है ये तीनों है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो सर्क्यूट में जिस रिले में आपको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई फीडर है या नहीं है तो मोटर है, इसमें आपको मैक्सिमम नॉर्मल मैक्सिमम करंट क्या होते हैं और नॉर्मल मिनिमम करंट क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद हमने जो टाइम डिले है, अगर इसमें कोई भी करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है तो आप इंस्टेंटेनियसली तुरंत इसको ब्लॉक करना है सारे करंट बेस्ड प्रोटेक्शन को, अगर ये आपको फीचर मतलब ऑन हो गया तो कर सीटी सुपरविजन। अगर इन केस ओनली अलार्म देना है, इसमें कोई करंट बेस्ड प्रोटेक्शन नहीं है, इट इज़ रिले इज ओनली फॉर कोई कंट्रोल के लिए है, नहीं है तो कोई मॉनिटरिंग के लिए है, तो आप सिंपल एक कुछ टाइम डिले के बाद इसको अलार्म जनरेट करा सकते हैं सीटी सुपरविजन ऑपरेटेड, या नहीं है तो सीटी इज अनहेल्दी बोलकर इसका एक अलार्म आप जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये आपको इस रिले का सेटिंग है, ये आपको अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक इनकमर दे दीजिए फ्रेंड्स, इनकमर में आपको करंट वेरिएशन बहुत ही कम रहते हैं, तो इसीलिए आप इसका जो मिनिमम करंट है आप बहुत कम रख सकते हैं। इसका जो रेंज यहाँ दिया गया है फ्रेंड, 0 to 10% या 0 to 10 times ऑफ इसका IN वैल्यू दिया था, इसका इसका जो सेटिंग है ऐसे मैक्सिमम करंट भी 0 to 10 times ऑफ IN दे दिया है, और इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है इसका 20% ऑफ IN वैल्यू मिनिमम करंट है, और 2 times ऑफ IN वैल्यू है मैक्सिमम करंट डिफॉल्ट सेटिंग। अगर इसका प्रोडक्शन जैसे ही ऑन करते हैं आपको ये दोनों का सेटिंग ये ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये तीनों का सेटिंग ऐसे दिखते हैं आपको डिफॉल्ट, आपको जो एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैं आपको बताया था इनकमर का केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जो मिनिमम करंट है आप 0.1 रख सकते हैं, 10% का मिनिमम करंट रख सकते हैं, और इसका जो मैक्सिमम करंट है आप
चाहिए तो फ्रेंड्स इसका 100% वैल्यू भी रख सकते हैं। जो नॉर्मली जो हमारा इनकमर का जनरली इनकमर में वेरिएशन ज़्यादा नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप सेटिंग चाहिए तो मतलब बहुत ऑप्टिमल रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई आउटगोइंग फीडर इसमें करंट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप उस वेरिएशन के हिसाब से इसका जो मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट, बेसिकली हमारा जो करंट वेरिएशन नॉर्मल कंडीशन पे कैसे वेरी होते हैं, ठीक है, इसका बेसिस में रखना है। और इसका ऊपर भी करंट जा रहा है तो मतलब इसमें सीटी का प्रॉब्लम है, और नीचे भी जा रहा है तो इसका मतलब सीटी का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ठीक है, जो मैक्सिमम करंट है फ्रेंड्स हम चाहिए तो जिसका फॉल्ट कंडीशन में भी जो करंट मैक्सिमम जाते हैं इसका ऊपर का वैल्यू भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और मिनिमम करंट है नॉर्मली हमारा क्या होते हैं, जो मिनिमम ऑपरेटिंग करंट या मिनिमम लोड करंट जो रहते हैं इससे नीचे कभी भी ये फीडर नहीं ऑन नहीं चल सकते हैं, तो उस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताया था टाइम डिले, डिफॉल्ट टाइम डिले 0.1 सेकेंड है, लेकिन इसका जो टाइम डिले का जो सेटिंग है 0.02 मतलब 20 मिली सेकेंड के लेकर 600 सेकेंड तक इसका सेटिंग रख सकते हैं। जनरली इन केस आपको जहाँ आपको करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है तो आप मिनिमम सेटिंग रखना है इसको, तुरंत इसको आप इंस्टेंटेनियसली सारे करंट प्रोटेक्शन को आपको ब्लॉक करना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है ही नहीं है तो आप जनरली 3 सेकंड का टाइम डिले रख कर इसकी बाद 3 सेकंड का बाद इसका एक कॉन्टैक्ट के थ्रू इसको रिमोट अनाउंसिएशन या लोकल अनाउंसिएशन में सीटी अनहेल्दी या नहीं है तो सीटी सुपरविजन ऑपरेटेड बोलकर इसका कॉन्टैक्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका अनाउंसिएशन या इसका इंडिकेशन आप दे सकते हैं। इसके बाद सीटी ई सुपरविजन का ऑन या ऑफ, इसका मतलब ये मैं आपको बताया फ्रेंड्स, इसका इवेंट ऑन करने के लिए सीटी सुपरविजन ऑन इवेंट है, सीटी सुपरविजन ऑफ इवेंट है, उसको जनरेट करना है तो इसको ऑन ऑन करना है दोनों को, अदरवाइज आपको ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको सीटी सुपरविजन में सिर्फ ऑपरेट करना है, इसका कोई भी इवेंट आपको रिले में रिकॉर्ड नहीं करना है तो इसको आप सिंपली ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सिंपल एक रिले में सीटी सुपरविजन का फीचर है, ये सिंपल करंट बेस्ड रिले है, उसमें कोई भी वोल्टेज इनपुट नहीं है, उसमें ये हमारा एप्लीकेबल है। इनकेस हमारा सीटी सुपरविजन कभी भी ऑपरेट हुआ है तो उस रिले में क्या क्या पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं फ्रेंड, हमारा जो सीटी सुपरविजन ऑपरेट हुआ उस टाइम पे इसका जो मैक्सिमम करंट कितना है फेजेस का तीनों, और इसका जो मिनिमम करंट कितना है सारे तीनों फेजेस में, जो मिनिमम करंट है और सारे तीनों फेजेस में जो मैक्सिमम करंट है वो रिकॉर्ड होते हैं। और इसका जो सेटिंग है जो हमारा प्राइमरी वैल्यूज में जो रिले का सेटिंग है, मैक्सिमम आई मैक्स का सेटिंग कितना है, जैसे ये दोनों सेटिंग आई मैक्स ग्रेटर देन और आई मीन ग्रेटर देन, इसका जो दोनों सेटिंग है वो रिकॉर्ड होते हैं। और जिस टाइम पे जिस डेट पे हमारा सीटी सुपरविजन ऑपरेट हुआ और उसका टाइम, उस टाइम पे इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम करंट जितना है वो सारे वैल्यूज इसका रिकॉर्ड होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा एक माइकॉम रिले है, इस रिले में कैसे रिकॉर्ड होते हैं फ्रेंड्स, हमारा सीटी सुपरविजन फंक्शन है बेसिकली, इसमें आपको अगर सीटी इनपुट भी है इसके साथ साथ अगर वीटी इनपुट भी है मतलब वोल्टेज इनपुट भी है, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, हम लोग सिंपल एक IN ग्रेटर या रेसिड्यूअल करंट या इसको हम बोल सकते हैं मेजर्ड एथफॉल्ट करंट, या नहीं है मेजर्ड एथफॉल्ट करंट क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा IR+IY+IB=I0 है, दैट इज कॉल्ड मेजर्ड एथफॉल्ट करंट बोलते हैं इसको हम लोग। सो ये हमारा सम्मेशन है, IR, IY, IB का सम्मेशन करंट को IN बोलते हैं। सिमिलरली RYP तीनों फेज का यार तीनों लाइन टू लाइन वोल्टेज का सम्मेशन को हम लोग VN बोलते हैं इस रिले में, ये भी हमारा मेजर्ड या रेसिडुअल वोल्टेज हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल हमारा फंक्शन यही है फ्रेंड्स, हमारा कभी भी कोई भी अगर कोई भी फेज का अगर सीटी ओपन हो गया है या लूज हो गया तो हमको क्या होगा, बाद दो ही फेज है सो आपको ऑब्वियसली IR+IY+IB का अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये तीनों फेज का समेशन करंट है वो जीरो नहीं होगा, तो आपको IN जनरेट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने इसमें एक IN का सेटिंग रहेगा, इसके ऊपर अगर आया इसके बाद कभी भी एक्चुअली अगर फॉल्ट है तो क्या होगा, IN का साथ साथ VN भी जनरेट होगा, क्योंकि अगर ओरिजिनली कोई भी फेज में अगर सच में ओपन हो गया है तो क्या होगा, उसमें आपको यहाँ रिले में भी वोल्टेज नहीं दिखेगा और रिले में करंट भी नहीं दिखेगा, सो ऑब्वियसली क्या होगा VN भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन जिस केस में आपको ओनली IN जनरेट हो रहे हैं मतलब ओनली रेसिडुअल या नहीं तो मेजर्ड I0 जनरेट हो रहे हैं, लेकिन आपको वोल्टेज एकदम बैलेंस है,
इसकी मतलब है फ्रेंड्स, आपको ओरिजिनली कोई फॉल्ट नहीं है, ओनली सीटी, कोई भी सीटी माल ऑपरेट हो गया, या सी कोई भी सीटी हेल्दी नहीं है। तो यही इसका सेटिंग है। आई एन ग्रेटर है, मतलब आई एन जनरेट हुआ, मतलब आई एन आई आर प्लस आई वी प्लस आई बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन वी आर प्लस वी वे प्लस वी बी इक्वल टू जीरो है। तो मतलब इसका अगर कोई भी करंट बेस्ड प्रोटेक्शन इसके अंदर है, तो आपको पहले भी बताया था सी टी एस से ब्लॉक का, सी टी सर्किट सुपरविजन का ब्लॉक का फंक्शन तुरंत ऑपरेट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली। वो आपको सारे के सारे प्रोटेक्शन, करंट बेस्ड प्रोटेक्शन को वो ब्लॉक कर देगा। लेकिन जहाँ आपको ओनली टाइम डिले, इसमें आपको दोनों हैं, जहाँ आपको ओनली अलार्म दे रहे हैं, तो कुछ 3 या 4 सेकंड का बाद जो आप टाइम डिले सेटिंग करते हैं, इसके बाद आप अलार्म जनरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो ये हमारा आई एन बेस्ड, मतलब ये हमारा रेसिडुअल या नहीं है, तो मेजर्ड एर्थ फॉल्ट करंट का बेसिस में, और मेजर्ड वोल्टेज का, मेजर्ड एर्थ फॉल्ट वोल्टेज का बेसिस में इसका सी टी सुपरविजन है। ये हमारा सिंपल एक वोल्टेज और करंट इनपुट का रिले में है फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ हम लोग इसका जो सेटिंग आप देखेगा तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारा माइक्रोम रिले में जनरली ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे रहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये आपको पहले मैं आपको न्यूमेरिकल रिले का वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा सी टी एस स्टेटस है, ये आपको एनेबल या डिसेबल करा सकते हैं इसमें। अगर ये एनेबल करने से ही फीचर को आप एनेबल होगा, और इसमें आपको सारे के सारे करंट प्रोडक्शन को ब्लॉक, या इसका जो टाइम डिले के साथ इसका अलार्म आप जनरेट करा सकते हैं। अगर ये डिसेबल्ड है तो ये सारे के सारे फंक्शन डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स सी टी एस का वी एन इनपुट। वी एन इनपुट आपको डिराइव्ड है या मेजर्ड है, ये आप सेट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद वी एन लेस देन इनहिबिट है, मतलब जिसका नीचे अगर वी एन है, इसका मतलब आप अगर इसमें है तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, सी टी सुपरविजन ऑपरेट होगा। अगर वी एन भी अगर इसका जो इसका सेटिंग का ऊपर है, मतलब क्या होगा, आपको ओरिजिनली फॉल्ट है हमारा सी टी सुपरविजन को, इसमें आपको एरो करना ही नहीं है, मतलब उसको सी टी सुपरविजन ऑपरेट ही नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। इस रिले में कुछ कुछ रिलेज में क्या होता है फ्रेंड्स, जो वी एन लेस देन इनहिबिट है, बहुत लोग गलत सेट कर देगा सोचकर, मैन्युफैक्चरर ने क्या देते हैं फ्रेंड्स, वी एन लेस देन इनहिबिट को वो डिफॉल्ट फिक्स कर देते हैं। ये इस रिले में, इस फीचर में ये डिफॉल्ट फिक्स कर दिया फ्रेंड्स, इसको आप सेट नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ आप पीटी इनपुट अगर 110 वोल्ट सेलेक्ट किया, तो ये डिफॉल्ट 0.5 वोल्ट रहता है इसका सेटिंग, मतलब 0.5 वोल्ट के नीचे है, मतलब आपको सी टी सुपरविजन ऑपरेट कर देते हैं। अगर 440 वोल्ट का पीटी इनपुट है, तो आपको 2 वोल्ट है, ऐसा आपको डिफरेंट में आपको ये आपको सेट किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा वी एन लेस देन इनहिबिट है। इसके बाद आई एन ग्रेटर देन सेटिंग है, जो जिसका ऊपर आपको सेटिंग ये करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा सेटिंग रेंज है 0.08 IN से लेकर 4 IN है। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है 10% ऑफ IN है, तो मतलब 0.01 IN है। इसके बाद इसका सी टी सुपरविजन का जो टाइम डिले है, ये हमारा 0 to 10 सेकेंड है, और इसका जो डिफॉल्ट टाइम डिले है फ्रेंड्स 5 सेकेंड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो सेटिंग्स का बारे में फ्रेंड्स, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो IN सेटिंग है, जो नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल लोड में हमारा IN वैल्यू, मतलब IR प्लस IY प्लस IB का जो नेट वैल्यू वो कितना रहते हैं, जो यानी ये तो आई नॉट मेजर्ड वैल्यू कितना रहते हैं रिले में देख कर, उसका ऊपर इस रिले को सेटिंग रखना पड़ेगा फ्रेंड्स हमको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सिंपल एक सी टी सुपरविजन स्कीम है फ्रेंड्स। अगर आपको जहाँ आपको 82 डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर में या नहीं तो जनरेटर में, मैं आपको पहले भी मोटर में मैं आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में बताया था 82 डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, उसमें आपको दोनों तरफ का सी टी इनपुट इसमें आते हैं। उसमें आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको रिले में दो सेटिंग रहते हैं, CTS1, सी टी सुपरविजन 1 और सी टी सुपरविजन 2 बोलकर। सी टी सुपरविजन 1 है फ्रेंड्स, आपको जो हमारा लेफ्ट साइड इनपुट से, मतलब जितना भी हमारा लाइन साइड इनपुट सी टी इनपुट से आपको सी टी एस 1 में आते हैं, उसमें सेम है फ्रेंड्स, आपको आई एन ग्रेटर देन सी टी एस 1 का एक सेटिंग रहते हैं, और वी एन ग्रेटर देन सी टी एस 1 में रहते हैं, सेम फीचर है। मतलब आपको आई नॉट आई एन वैल्यू इसका सेटिंग का ऊपर है, और वी एन वैल्यू इसका सेटिंग का नीचे है, तो सी टी एस ऑपरेट हो जाते हैं, और इसमें आपको प्रोटेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसका जो टाइम डिले के बाद इसका अलार्म जनरेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको सी टी एस 2 भी सेम है आपका, इसका सेटिंग है फ्रेंड्स आई एन ग्रेटर देन और वी एन लेस देन है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ग्रेटर देन है फ्रेंड्स, ये गलत दिया गया था, तो ये भी सेम है फ्रेंड्स, ठीक है।
आई से आपको CTS2 दो रिले का सेटिंग दिया गया है, और उसमें आप ये कोर्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। कभी भी आपको उस केस में मतलब जो 62 डिफरेंस में कभी भी आपको CTS ऑपरेट हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पिकअप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको कभी भी CT सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो आप चाहिए तो इस प्रोटेक्शन को ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है तो क्या है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत कॉस्टली प्रोटेक्शन है, इसको आप जनरली ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इसको आप सेटिंग बढ़ाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ग्रुप 2 का सेटिंग लेकर, यानी ये तो रिलेस में ये भी सेटिंग रहते हैं फ्रेंड्स, IS CTS से फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये IS CTS का सेटिंग है। ये सेटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, सॉरी, तो IS CTS का सेटिंग है फ्रेंड्स। ये सेटिंग में हमारा क्या होता है, कभी भी CT सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो हमारा इसका जो पिकअप वैल्यू है IS1 से लेकर IS CTS में बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, IS CTS में चला जाता है। सो इसकी वजह से क्या हो गया, अभी ऑपरेटिंग रीजन कम हो गया और रिस्ट्रेंट रीजन है वो बढ़ गया है फ्रेंड्स, ये हमारा IS CTS पिकअप हो गया, और ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन है, ये हमारा रिस्ट्रेंट रीजन है। पहले के ये पूरा हमारा ऑपरेटिंग रीजन है, ये हमारा रिस्ट्रेंट रीजन है। सो कभी भी CT सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो आप सिंपली क्या कर दिया था, इसको ऑपरेटिंग रीजन कम कर दिया और रिस्ट्रेंट रीजन को बढ़ा दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा IN और VN बेस्ड प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स। ये को हम कर सकते हैं अनबैलेंस्ड करंट बेस्ड और अनबैलेंस्ड वोल्टेज बेस्ड, उसमें भी आप कर सकते हैं फ्रेंड, और जिसमें आपको सिंपल आपको ओनली करंट इनपुट से फ्रेंड, जैसे आपको 62 डिफरेंशियल इनपुट रिले में आपको जनरली क्या होता है, हमारा PT इनपुट नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है तो आपको सिर्फ CT इनपुट्स रहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अनबैलेंस करंट देते हैं, अनबैलेंस करंट, और क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को देखकर हम लोग CT सुपरविजन मतलब CT हेल्दी है नहीं है हम लोग मॉनिटर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं, आप देख लीजिए कोई भी एक CT है, फॉर एग्जांपल इस रिले में मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, हमको अनबैलेंस जो 62 डिफरेंसेज में आपको मल्टीपल CT इनपुट्स इसमें आ सकते हैं। हम लोग अभी तक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में बताया था 2 CT इनपुट्स आते हैं, अगर 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो उसकी 62 इनपुट रिले हम लोग ऐसे देते हैं, 3 3 CT इनपुट्स आते हैं, अगर बस डिफरेंशियल रिले 62 इनपुट दे दिया तो जितना CT इनपुट्स है तो उतना CT इनपुट्स इस रिले में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं अभी दिया है फ्रेंड्स एक 5 CT इनपुट का जो रिले दे दिया था 62 डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ये आपको बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हो सकते हैं, नहीं है तो 4 वाइंडिंग का CT भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसा ये हमारा CT 1 2 3 4 है, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दिया, और पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है इसमें क्या होता है फ्रेंड, कभी भी आपको नेगेटिव सीक्वेंस करंट आया इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव सीक्वेंस करंट कम भी नहीं हुआ, तब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी मतलब है फ्रेंड्स आपका CT सुपरविजन है, मतलब आपको इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको ओरिजिनली फॉल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस आया मतलब आपको एक्चुअली फॉल्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी भी आपको पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, कभी भी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है इसके अंदर जो पिकअप है I1 ग्रेटर का ऊपर है तो क्या होता है हमारा, ये सिंपल क्या होता है हमारा 0 रहते हैं, ये 0 रहने से ये हमारा 1 1 रहता है, ये आपको CT सुपरविजन को ऑपरेट ही नहीं होना देगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो कभी भी आपको I1 है इसका पिकअप का नीचे ही है, और इसके साथ साथ अगर I2 जनरेट हो गया तब इसका मतलब क्या है, हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है ही नहीं है और नेगेटिव सीक्वेंस करंट जनरेट हो गया, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस करंट बढ़ा ही नहीं है, एक्चुअल फॉल्ट में क्या होते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर नेगेटिव सीक्वेंस भी आया मतलब एक्चुअली फॉल्ट है फ्रेंड्स, लेकिन आपको पॉजिटिव सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बढ़ा लेकिन सिर्फ नेगेटिव सीक्वेंस करंट बढ़ गया, तो इसकी मतलब आपको CT फेल हो गया, सिंपल फंडा है फ्रेंड्स, इसी फंडा के बेसिस में ऑपरेट होते हैं, सिंपल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट किसी का भी कि जिस CT इनपुट का अगर दे रहे हैं उस CT इनपुट का अगर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट नॉर्मल है और इसका नेगेटिव सीक्वेंस करंट अगर बढ़ गया, फॉर एग्जांपल CT1 का ले लीजिए फ्रेंड्स, CT1 का नेगेटिव सीक्वेंस करंट है इसका वैल्यू का ऊपर चला गया लेकिन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट नहीं गया, मतलब CT सुपरविजन को ऑपरेट करना है CT1 को, ठीक है। ऐसे ही आपको CT2 को भी, CT2 का भी नेगेटिव सीक्वेंस करंट बढ़ गया लेकिन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का वैल्यू नहीं बढ़ा, मतलब CT सुपरविजन 2 को ऑपरेट करना है CT2 को। ऐसे आपको 3 4 5 को भी आप सिमिलरली आप जनरेट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
ऐसे ही इनकेस आपको कभी भी इंडस करंट आया, जनरली आपको ट्रांसफार्मर में, जैसे आप ये आप ट्रांसफार्मर ले लीजिए, उस केस में आपको ट्रांसफार्मर इंडस का करंट भी हो सकते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव सीक्वेंस करंट भी आएगा और नेगेटिव सीक्वेंस करंट भी आएगा फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर इंडस में। तो कभी भी ट्रांसफार्मर इंडस आ रहा है तो क्या करते हैं, सिंपली आपको सीटी सुपरविजन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट बेस्ड रिले है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही वाइडली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कोई भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जनरली वोल्टेज इनपुट नहीं रहते हैं, जहाँ वोल्टेज इनपुट नहीं रहते हैं वहाँ हम लोग वी एन आई एन बेस्ड या नहीं है तो वी टू आई टू बेस्ड का प्रोटेक्शन आप यूज नहीं कर सकते। वहाँ आपको सिंपल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट को कंपेयर करके एक्चुअल फॉल्ट है या नहीं है तो सी टी का फेल्यूर है, सी टी का ओपन सर्क्यूट है, वो आपको डिटेक्ट करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा सी टी सुपरविजन फंक्शन का जो न्यूमेरिकल रिले में इसका जो फंक्शन का बारे में फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाता रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।